फाइनली 5 घंटे के बाद हम जा रहे हैं फ्लाइट में बोर्डिंग करने। देखो अभी छोटा फील हो रहा है, तो दिस इज लाइक द मेका ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हो यहाँ का। हमारी जमीन की चीज है। सो गुड। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं द बिनोज जिम के सामने। This is the most famous gym क्योंकि यहाँ पे सारे athletes train करने आ चुके हैं। जो भी famous athletes हैं, अपने Anatoly की video जरूर देखी होगी, जो getup करके deadlift करने जाते हैं और cleaner का getup में होते हैं, deadlift करते हैं, दूसरों को beat करते हैं, वो भी यहीं shoot हुई है। Larry Wheels की videos आधी से ज़्यादा यहीं shoot हुई है। Adi Chupan, everybody, every great athlete in the bodybuilding, powerlifting industry has trained here. और आज आपका सिंघा यहाँ ट्रेन करने वाला है। तो सबसे पहले थैंक यू टू द मसल ब्लेज टीम जिन्होंने मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है ट्रेन करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक इंडियन आया है अपनी पावर दिखाने बाहर के जिम में, तो अपन कुछ बढ़िया डेडलिफ्ट भी करके जाएंगे। इसी वीडियो में आपको वो देखने मिलेगा। और आज हम चैलेंज करेंगे, पहले देखो 260-265 राउंड डेडलिफ्ट मारेंगे बढ़िया इजी, और बाकी जो यहाँ के बंदे हैं, क्योंकि इस जिम में बहुत तगड़े बंदे दिखने वाले हैं तुम्हें, क्रेजी तगड़े, तो उन्हें हम चैलेंज करेंगे कि क्या आप इससे ज़्यादा मार सकते हो। एंड हम उसमें प्राइज मनी रखेंगे। हमारे पास पैसे हैं, पहले मैं आपको जिम दिखा देता हूँ और ये भी देख लेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ना, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम तो एक दिन के लिए आए हैं तो रजिस्ट्रेशन होगी। आ जाओ अंदर। गाइस हम आ चुके हैं जिम के अंदर, बहुत ही बढ़िया माहौल है, सारे बढ़िया एथलीट्स यहाँ पे। आप एक चीज़ है, इंस्पायर हो जाओगे क्योंकि आप सारे तगड़े बंदे को देख रहे हो। मेरे को अभी छोटा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूज लोग हैं, बॉडी बिल्डर्स दिख रहे हैं जो प्रॉबेबली 120-130 केजी के ऐसे जाग एकदम नशे फट रही हैं। लाइटिंग कितनी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है, अंदर आते ही पता चला। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, एक मिनट का काम था, बस नाम और नंबर दिया एंड पेमेंट किया, 210 दिरहम एक दिन का चार्ज था वो दिया एंड वी आर इनसाइड द जिम। तो एक चीज़ जो मैंने आते ही नोटिस कर ली है कि हर बॉडी पार्ट का एरिया डिवाइडेड है, चेस्ट का, लेग का, हर का रो अलग है और एक ही मशीन चार चार है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आते ही समझ गया हूँ, इसीलिए कि एक स्टेशन पे कभी भीड़ नहीं होगी। एंड अगर आप डंबल रैक देखोगे, आप सच में एक पैर डंबल का जो भी है वो 3 या 4 है, तो वो आपको डंबल के लिए भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको वेट ना करना पड़े एक्सरसाइज के टाइम पे। सारी की सारी प्लेटें अपनी अपनी जगह पे है, बहुत नीट है जिम, बहुत ही साफ है, अलग ही अलग मशीनें हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, अलग अलग जगह पे एडजस्ट करके लैट पुल डाउन कर सकते हैं, मैंने वो देखा। तो देखो ये एक लैट पुल डाउन है, मैं अलग अलग आपको लैट पुल डाउन दिखा रहा हूँ, ये एक लैट पुल डाउन है, ठीक है। उसके बाद ये एक लैट पुल डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया एंगल। अब लोअर हैंडल रोइंग दिस, उसके बाद वहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन, लैट पुल डाउन, ओल्ड स्कूल वाला लैट पुल डाउन है ना, इस मेरे को सबसे बढ़िया फील इसी में होता है। तो ये पूरा का जो पूरा लाइन है ना, इसमें आपको सिर्फ बैक की मशीन मिलेंगी, तो आपका पूरा बॉडी पार्ट, अगर आपका बैक डे है मान लो, तो आप यहीं पे हो, इसी लाइन में हो, आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, इधर उधर मशीन ढूंढने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे करते करते इसी एरिया में आप अपना वर्कआउट पूरा कंप्लीट कर दोगे। हम आ गए हैं दूसरे एरिया में, यहाँ पे बॉक्सिंग है, यहाँ पे मतलब आई गेस पूरा एथलीट लोग ट्रेन करते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं, सारी बॉक्सिंग की इक्विपमेंट है। और यहाँ पे सप्लीमेंट स्टोर है एक, ठीक है, आई थिंक ये जिम का ही सप्लीमेंट स्टोर है, बिकॉज यहाँ पे एक ही टाइप के सप्लीमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक भी इंडिया का ब्रांड नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक कि मसल ब्लेज कैन डू दिस, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बाहर के ब्रांड आते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि इंडिया का कोई ब्रांड बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे होपफुली एक दिन इंडिया का कोई ब्रांड दिखेगा एंड यहाँ के लोग उसे यूज़ करेंगे। इसके आगे भी जिम कंटिन्यू है, मतलब ये डिवाइडेड है, आई गेस उधर क्या है देखना होगा, ये डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स है ना, जो भी आपके फॉरेन के होते हैं। सो गाइस यहाँ पे सारा का सारा लेग का मशीन है, ये पूरा का पूरा एरिया लेग डे के लिए है एंड यहाँ पे इतनी भीड़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है मैंने देखा, इतना बड़ा, इतने बड़े तो जिम होते हैं जनरली, बट ये पूरा का पूरा एरिया सिर्फ लेग्स के लिए है। Lord, give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I like to think for my day when I'm playing. So I show for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't no place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. So guys
सो गाइस मेरा तो वर्कआउट हो गया। एक चीज मैंने नोटिस करी, दिस जिम इज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बट मैं कम से कम जिम में 3-4 घंटे से हूँ एंड किसी ने डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं करी है, तो पावर लिफ्टिंग का यहाँ थोड़ा कल्चर कम है इस जिम में बेसिकली। और कोई दिखा भी नहीं आज सच पावर लिफ्टर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो रहेगा ना कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, मैं देखना चाहता था और कितने पावर लिफ्टर्स आते हैं, कितना हैवी उठाते हैं, बट वैसा कुछ दिखा नहीं। बॉडी बिल्डर्स बहुत, प्रो एथलीट्स, प्रो कोचेस बहुत सारे हैं, तो दिस इज लाइक द मेका ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हो यहाँ का। सो मज़ा आया, चैलेंज तो यार नहीं हो पाया बिकॉज बॉडी बिल्डिंग ही क्राउड है, उतना हैवी डेडलिफ्ट मारेगा कौन, वो वाली बात भी है। ठीक है, तो हम एक चीज़ कर रहे हैं कि अपना जो प्रोटीन है वो ट्राई कराते हैं, इंडिया का प्रोटीन बाहर के बंदों को ट्राई कराते हैं, देखते हैं उनको कैसा लगता है, क्योंकि ये तो यहाँ के बाहर का खाते होंगे, तो एक बार इंडिया का पूछ लेते हैं कैसा लगता है इन्हें। Excuse me, brother. Do you speak English? Yes. Do you have a minute? Yes. I am from India, and this is the best-selling brand there, right? In protein. So this is a whey protein. This is the best-selling brand. This is, the name is Muscle Blaze Biozyme. Okay. Okay. So I just wanted that some people of here try the best Indian brand and give their review that it is good or not. That's all. Who supplements this? What is it? It's protein? Yeah, protein, whey protein. Yes. That's also, I wanted you to have a sip and tell me, is it good? Is it fine? You to have a sip and just tell me, is it fine or not? Yeah, it's chocolate. Okay, it's milky. It's very good. Like, thank it's a good chocolate. It's with water, right? Yeah, it's with water. I think with milk. With milk, it will go crazy good. Yeah, true, yeah. Completely. Yeah. No, it's really good. Yeah, thank you. Nice. It's actually like gold standard. I just wanted to give you the sample. Do try it. Thank you very much. How many grams? Oh, 36, okay. It's a big scoop. Yeah, yeah. Okay. Around 25 grams. Okay, thank you very much. Welcome. I appreciate it. Have a good workout. Sure, it's. Yeah. Have a good workout. Thank you very much. Yes. Thank you. You can have this. सो हमें भाई मिले हैं मुंबई से, और अच्छा लगा एक इंडियन को यहाँ पे देख के, तो हम इन्हें अपना मसल बेस का बायोज़ाइम परफॉर्मेंस वे दे रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसा फ्लेवर लगा आपको। ठीक है ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा फ्लेवर है, और आई होप कि इंडिया की चीज़ है तो इंडिया, आई लव इंडिया, हमारी ज़मीन की चीज़ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो गाइज हो गया मेरा वर्कआउट, और अभी ये देखो एक अच्छी चीज़ है कि 11 बज रहे हैं और कैफ़े ओपन है, यहाँ पे एक प्रोटीन स्मूदी बनवा ली। और जिम का एक वर्डिक्ट मैं दे देता हूँ वीडियो के एंड में, जिम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लाइटिंग वगैरह कंटेंट के हिसाब से, वीडियो बनाने के हिसाब से, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के हिसाब से। बस मुझे थोड़ा लगा कि पावर लिफ्टिंग में भी प्लेटें होती, थोड़ी अच्छी बारबेल्स होती तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता पावर लिफ्टर्स को भी, बट ये मोस्टली बॉडी बिल्डिंग के लिए है। ऐसी मशीनें जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी, ऐसा एक कल्चर जहाँ एक साथ 40-50 एथलीट ट्रेन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स बड़े बड़े। तो अगर आप दुबई आते हो मस्ट एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब ये ऐसा आपको सेंस मिलेगा कि मैं कहीं एक फिटनेस जू में आ गया हूँ, और आप घूमते जा रहे हो, चीज़ें मिलते जा रही है फिटनेस की, फिटनेस के लोग मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। दैट्स ऑल, बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, ज़रूर आओ यहाँ। होपफुली आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आज एक नया जिम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहता तो क्या प्रेफर करता?